परिस्थितियां इससे कहीं खराब हैं, और उन परिस्थितियों को मैं कहता इतना ही हूं कि जैसे किसी के घर में 10 कमरे हों, 9 कमरों में ऐश्वर्य और सुख संपन्नता की कोई कमी नहीं है, लेकिन 1 कमरे में लाशें सड़ रही हैं, तो उस कमरे की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे ही इन परिस्थितियों को मैं उस एक कक्ष की तरह देखता हूँ। ये नहीं मानता हूँ कि संसार में भारत ने कोई उन्नति नहीं की है, कोई कल्याण के कार्य नहीं किए हैं, आत्म कल्याण और पर कल्याण के कार्य नहीं किए हैं, किए हैं और हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़े हैं। लेकिन हम इस समय एक ऐसी दीवार पर चल रहे हैं जिस दीवार के एक तरफ महान उन्नति के द्वार प्रस्तुत हैं, और इसी दीवार के दूसरी तरफ पतन की ऐसी खाइयां हैं जहां से निकलने के बाद, जिसमें गिरने के बाद निकलना संभव नहीं हो। तो हमें इस दीवार पर इतनी सावधानी से चलना है कि हम उन्नति के द्वारों की ओर बढ़ सकें, और ये जो खाई है, इस खाई में इतने भयंकर नरपिशाच और पशु हैं कि वो तुम्हें नीचे खींचने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे बचना भी है, ये बहुत जरूरी है। इसी समाज के भीतर जो हमारा समाज है, ये हिंदू समाज आज जातियों में बटा हुआ है, और इस कदर बटा हुआ है कि हमारा आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। हमारी एक निश्चित जाति होती है, हम अपनी बेटी का ब्याह उसी जाति में करेंगे, उस जाति के बाहर नहीं कर सकते। हमारी बेटी नहीं कर सकती उस जाति के बाहर ब्याह, हमारा बेटा नहीं कर सकता उस जाति के बाहर ब्याह, हमारा रोटी तक का संबंध नहीं है। एक ही बिरादरी दो दो स्थानों पर बटी हुई है। जाट कितने हैं जी? 2। ये पूरे या आधे हैं? गुजर कितने हैं? 2। ये पूरे हैं या आधे हैं? राजपूत कितने हैं? 2। ये पूरे हैं या आधे हैं? चमार कितने हैं? 2। ये पूरे हैं या आधे हैं? ब्राह्मण कितने हैं? 2। ये 10 हैं, ये 20 हैं? ये पूरे समाज में फैल गया, एक ही जाति में विभाजन आपस में। और कितनी जातियां? कोई कल्पना नहीं। और इन जातियों के आधार पर हम मनुष्यों का शोषण करते हैं, उन्हें पास नहीं बिठाते हैं, उन्हें साथ उन्हें गले लगाने को तैयार नहीं है। तुमने गले लगाया नहीं, दूसरों ने लगा लिया, वो उनके हो गए, उन्होंने गले लगा लिया। परिस्थितियां कितनी खतरनाक हैं इसकी कल्पना करके देखो। तुम्हें क्या लगता है, इस देश में मुसलमानों ने जो धर्मांतरण किया है, मुसलमानों ने जो लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया होगा? आओ थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, कितने लोगों का? इस देश में वर्तमान में मोटा मोटी 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं। कितने? 35 करोड़ में से बाहर से कितने आए हैं? जॉर्डन अरेबिया से कितने आए हैं? ठेंगा, एक भी नहीं आया। सारे कहां के हैं? यहीं के हैं, कन्वर्ट हुए हैं। ये जिनके नामों के पीछे मलिक, सहवाग, चौधरी, गौड़ ये लिखा हुआ है, ये कौन है? त्यागी और पता नहीं क्या क्या, ये सब परिवर्तित हैं, ये सब कन्वर्ट किए गए हैं, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। कितने लोगों का कन्वर्जन किया? अरे अब तो बोल पड़ो, कितने का? 35 करोड़। कितने लोगों का कन्वर्जन किया? रुको। और जो 25 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, वो कहां से आए? वो भी तो हमारे ही लोग थे, उन्हें भी कन्वर्ट किया गया है। वो ऐसे ही हैं जैसे भारत में रहते हैं, वही तो हैं वहां, उन सबको कन्वर्ट किया गया है। 25 करोड़ वो जोड़ो, 35 और 25 कितने हो गए? 60 करोड़। और जो 22 करोड़ बांग्लादेश में रहते हैं, वे किसके हैं? अरे बांग्लादेश कहां से बना? भारत से कटकर बना है। 1947 में भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, और इससे ठीक 10 साल पहले 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। केवल 10 साल का अंतर है पाकिस्तान में और म्यांमार में। म्यांमार भारत का हिस्सा था, अंग्रेजों ने 1937 में म्यांमार को अलग करके ब्रह्मदेश नाम था, अलग एक देश बना दिया, नाम म्यांमार रख दिया। ये सारा इलाका हमारा है। बांग्लादेश के 22 करोड़ भी जोड़ो 60 करोड़ में, कितने हो गए? कितने? 82 करोड़। कितने हो गए? और 5 करोड़ अफगानिस्तान के कितने हो गए?
87 करोड़। और ये जो आसपास के देश है ना, श्रीलंका है, भूटान, नेपाल, और ये सिंध बलूच, इसके परे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारा का सारा इलाका 18 करोड़ मुसलमान इनमें रहते हैं। कितने हो गए भाई? हो तो गए ऊपर, लेकिन मोटा मोटी 100 करोड़ कह सकता हूं, बोलो कह सकता हूं, 100 करोड़ लोगों का कन्वर्जन किया है, 100 करोड़ का। कैन यू इमेजिन दैट? 100 करोड़ लोगों को धर्मांतरित करना, परिवर्तन करना। मैं तुमसे कहता हूं, तुम में से यहां कितने लोग बैठे हैं जो हाथ उठाकर ये कह सकते हैं, मैंने एक आदमी को कन्वर्ट किया है? हाथ उठाओ। एक भी नहीं। और वहां कितने डिटरमिंड लोग हैं, कितने दृढ़ संकल्प, विभु संकल्प लोग हैं, काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह निकला है कि आज तुम्हारी आबादी इस देश में घटकर 78% रह गई है। और हालत यह है कि अगर तुम कुछ बोल दो मुसलमान के खिलाफ, तो तुम दुनिया में कहां रहोगे कोई नहीं जानेगा, तुम्हारा नाम निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा, तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। बोलो हां के ना, हां के ना। एक लड़की ने टीवी डिबेट में बैठकर यह कह दिया कि तू जैसा मेरे भगवान के बारे में कह रहा है, ऐसा ही अगर मैं तेरे पैगंबर और तेरी फातिमा बीबी के बारे में कह दूं तो तुझे कैसा लगेगा? आज कोई नहीं जानता नुपुर शर्मा कहां है, कोई नहीं जानता कहां है वो लड़की, दुनिया में से खत्म। उसकी सारी योग्यता, उसके सारे गुण, उसकी सारी चतुराई सब मिट्टी में गई। कहां है नुपुर शर्मा, कौन जानता है कहां गई वो? कोई नहीं जानता। आज उन्होंने ये अपना दम पैदा किया इस देश में, ये उनका बल है जो उन्होंने इस देश में पैदा किया है लगातार काम करके। और हमारी दशा क्या है, हमारी दशा क्या है? 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।